विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान अगले दो सप्ताह में एक बार फिर MiG-21 फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए तैयार हैं। मेडिकल बोर्ड ने फाइटर कॉकपिट में उनकी वापसी का रास्ता साफ कर दिया। इसके लिए अभिनंदन को मेडिकल फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ा, जिसमें वो अब पास हो गए। आपको बता दें कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन एक बड़ा चेहरा बने थे। 27 फरवरी को भारतीय सीमा में घुस आए पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों का पीछा करते हुए MiG-21 उड़ाते हुए अभिनंदन LOC पार कर गए थे और पाकिस्तानी फाइटर प्लेन F-16 को मार गिराया था। इस दौरान उनका विमान क्रैश हो गया था। इजेक्ट करने के बाद अभिनंदन पाकिस्तानी सीमा में लैंड हुए थे और पाकिस्तान सैनिकों ने अभिनंदन को पकड़ लिया था। तब भारत ने कूटनीतिक तरीके से 1 मार्च को उन्हें पाक से छुड़ा लिया था। इसके बाद वायुसेना ने सुरक्षा कारणों से अभिनंदन की फ्लाइंग ड्यूटी पर रोक लगा दी थी। विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी की ये खबर ऐसे समय में आ रही है जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।